जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचित मानस साधु संत भगवान राम भगवान कृष्ण को गाली देते हैं और सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम कर रहे हैं दुखद है, है निंदनीय है इसी चीज को लेकर उनकी हमारी बात कहानी लगातार चल रही स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई पर्सनल हमारी लड़ाई नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से सनातन को गाली देते हैं दुखदे निंदनीय है यही बात हमारी और स्वामी प्रसाद की हुई और मैं उस कार्यक्रम में जा रहा था वो आ रहे थे ऐसे जैसे मैं पहुंचा उसने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया और यही है कि ये कृष्ण के औलाद और राम की बात करते हैं यही राम है कि रामचेत मानस की बात करते हैं ये अब शब्द का जब उन्होंने प्रयोग किया तो मैंने कहा स्वामी जी आपकी भाषा गलत है आप गलत तरीके से ये चीज बोल रहे हो ये अच्छी बात नहीं इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पकड़ो इसको और स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर टूट पड़े गला दबाने की कोशिश किया जान से मारने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे साथ अभद्रता की यह आरोप मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि मैंने तलवार से उसके ऊपर हमला किया होटल में जहां कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में वहां तलवार जा ही नहीं सकते भाला जा ही नहीं सकता तो उसके ऊपर मैंने तलवार और भाला से कहा हमला किया ये दुखद है निंदनीय है और मैं मांग करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैंने लखनऊ में एप्लीकेशन दिया है उनके खिलाफ इसलिए दिया है क्योंकि समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे रहे हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजू दास पर हमला नहीं किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म संस्कृति पे हमला किया है हिंदुत्व पे हमला किया है सवा सौ करोड़ देशवासियों पर हमला किया है इसके नाते इनके खिलाफ एफ दर्ज होनी चाहिए